हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। सभी को एक बार मेरा नमस्कार, सुप्रभात। आज सेकंड लेक्चर के बाद है थर्ड लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट टू। आज बाकी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सब वेव जो एग्जाम में काफी ज्यादा बार आया है, 2000 लगभग 12 15 13 14 16 काफी ज्यादा बार आया है यार। हम लास्ट में क्वेश्चन तो आपको बता ही देंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सुबह सुबह माइंड को एकदम स्टेबल कीजिएगा, आराम से ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वीडियो वो आप लोग देख चुके हैं, इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि ये वीडियो होगा क्या। तो इस वीडियो में होने वाला है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बाकी तीन वेव इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव का बात करेंगे, और बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सोर्स और यूजेज। एग्जाम में हमेशा क्या पूछा है, यूजेज, लेकिन फिर भी हम लोग सोर्स को भी देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी देख लेंगे, वेवलेंथ को भी देख लेंगे, लेकिन यूजेज को हम दो दो बार रिपीट करेंगे ताकि आपके कानों तक आवाज जा सके और आप भी दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सके। इसके लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, आपका सपोर्ट ही आपका प्यार है, और थैंक यू वेरी मच। कमेंट जब करने बोलेंगे तो कमेंट करना, और वेव्स का कितना प्रॉपर्टी अभी तक याद किया हुआ ये भी एक बार और हमको ऑनेस्ट रिव्यू करके कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं। ये है आपका इंफ्रारेड रे, फिफ्थ नंबर क्या है, इंफ्रारेड रे। चार नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे, एंड दिस वन इज द फिफ्थ इंफ्रारेड रे, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रे वी ऑफनली कॉल्ड इट IR रे। IR स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड रे। तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है 4 × 10⁴ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻ हर्ट्ज, और इसका वेवलेंथ 1 mm। फुल फॉर्म कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में, mm और nm, mm का फुल फॉर्म और nm, और एक mm बराबर कितना मीटर और एक nm बराबर कितना मीटर। वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तुम्हारा वेट करो, सॉरी वेट तो हम कर रहे हैं, तुम कमेंट करो, ठीक है। तो चलो फुल फॉर्म भी बता देगा और कमेंट करके वैल्यू भी बता देगा, तो हमको पता चलेगा कि तुम ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो प्लीज स्किप करने का तो गलती एकदम मत करना, एकदम आराम से ध्यान से सुनो। सोर्स क्या है, तो इंफ्रारेड का पहला सोर्स होता है सन, बहुत सारे रे का सोर्स होता है सन, तो इंफ्रारेड का पहला सोर्स हो गया सन, और दूसरा सोर्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाई हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स। थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आराम से ध्यान से सुनो, पहला सोर्स हो गया सन, और दूसरा हो गया इट इज प्रोड्यूस्ड बाई हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स। तो पहला सोर्स हो गया सन और दूसरा हो गया हॉट बॉडीज। इसका यूजेज एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया है, तो इसका यूजेज क्या क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला यूज है इट इज यूज टू मेंटेन अर्थ वॉल, धरती का गर्मी को बरकरार रखने के लिए इंफ्रारेड रे का काफी ज्यादा महत्व होता है। इंफ्रारेड रे ही धरती का गर्मी को, हम लोग का जो धरती है, प्लैनेट धरती है, उसका गर्मी को बरकरार रखने के लिए, टेम्परेचर को काफी हद तक मेंटेन रखने के लिए IR रे अपना काम करता है, IR रे का यूजेज होता है धरती का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, IR रे का यूज होता है। दूसरा इट इज यूज्ड, देखो यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, तुम लोग भी चाहे तो कॉपी में मेरे बातों को नोट कर सकते हो, नोट्स बहुत जल्दी आपको मिल जाने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, मिल जाएगा, काम चल रहा है उस पर, ठीक है। इट इज यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ इन फॉग मिस्ट एंड हेज कंडीशन, IR रे का यूज किया जाता है टू टेक फोटोग्राफ इन फॉग मिस्ट एंड हेज कंडीशन। यदि कभी भी बहुत ज्यादा धुंध, कुहासा, कोहरा रहता है तो वैसे कंडीशन में फोटो क्लियर नहीं आता है, तो वैसे कंडीशन में फोटो का क्लियरेंस, फोटो का क्लियरिटी को लाने के लिए IR रे का यूज किया जाता है। लेंस में IR रे का यूज किया जाता है, जिसके मदद से कुहासा, धुंध, कोहरा, जब काफी ज्यादा धुआं धुआं रहता है उस समय भी फोटो क्लियर आने के लिए IR रे का यूज किया जाता है। और तीसरा इट इज यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग, इट मींस टू से दैट वाइडली यूज्ड इन द रिमोट स्विचेज ऑफ हाउसहोल्ड अप्लायंसेस सच एज टीवी, स्टेबिलाइजर एंड वीडियो प्लेयर, ये सब में, जैसे आप घर में रिमोट के कारण घर में भाई बहन में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, और रिमोट क्या, तो घर में रिमोट बहुत बड़ा चीज होता है एक तरीके से मानिए घर में,
किसी को न्यूज चैनल देखना है, किसी को कार्टून देखना है, किसी को मूवी देखना है, स्पोर्ट्स चैनल देखना है, सीरियल देखना है, तो भाई रिमोट का तो बात ही छोड़ दिए। तो आप देखिए रिमोट जो होता है घर में, आप रिमोट दबाते हैं तो टीवी में जाकर उधर चैनल चेंज हो जाता है, आप रिमोट दबाते हैं टीवी में आपका चैनल चेंज हो जाता है, उस रिमोट से आईआर रे निकलता है। रिमोट दबाते हैं ना, उसका एक छोटा सा देखते होंगे बल्ब जैसा होता होगा, उस रिमोट में आपका आईआर रे रहता है, या वीडियो प्लेयर्स में जैसा ऐसा करके दबाते हैं तो उधर से डिस्क का ये निकल जाता है, फिर दबाते हैं तो चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है रिमोट सेंसिंग में इसका यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट यूज है आईआर रे का। तीन यूज बता दिए, धरती का गर्मी को बरकरार रखने के लिए पहला, दूसरा फोटोग्राफी में यूज होता है कुहासा वहासा के टाइम फोटोग्राफी में, और तीसरा यूज है रिमोट में घर पे, जैसे आप टीवी जब ऑन करते हैं या टीवी में जब चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते घटाते हैं, तो रिमोट का जब यूज करते हैं उस रिमोट से आपका आई आर रे निकलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, एंड दैट इज आवर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ठीक है, जो कि छठा नंबर होगा, और ये सब का कमेंट कर देना, वेट कर रहे हैं जो अभी तक नहीं किया है कमेंट कर दो, हमको पता चलना चाहिए कि तुम सीरियसली वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और एफर्ट्स को सम्मान देना है तो कुछ इसी तरीके से सम्मान दो कि जब जो बोले वो करो। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद माइक्रोवेव्स के बारे, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए माइक्रोवेव क्या होता है, दिस इज सिक्स नंबर माइक्रोवेव। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और फिर हम लोग लिखेंगे वेव लेंथ, और ये सब चीज चलते रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 3 × 10⁻¹¹ हर्ट्ज से लेके 10⁻¹¹ हर्ट्ज और 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर तक इसका होता है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब सच एज क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन, या गन डायोड कहिए। ठीक है, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, ये सब कुछ ऐसे मशीन होते हैं जिसके मदद से माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड्स, ये सब कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो कि सोर्स होते हैं, इसका सोर्स माइक्रोवेव का सोर्स, कुछ ऐसे मशीन जिसके मदद से आपको, ठीक है, आप माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका यूजेज, तो पहला यूज होता है इट इज यूज्ड इन रडार सिस्टम। आपसे हम आशा करते हैं कि आप RADAR, रडार का फुल फॉर्म, रडार का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और बिना गूगल का हेल्प लिए। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म आप बताइएगा हमको बिना गूगल के हेल्प लिए, याद करने का कोशिश कीजिए। तो माइक्रोवेव का पहला यूज होता है रडार सिस्टम में, और इसका दूसरा यूज होता है इन माइक्रोवेव ओवेंस, माइक्रोवेव ओवेंस फॉर कुकिंग फूड एंड आल्सो इन हीटिंग वाटर। माइक्रोवेव्स का सोर्स बता देते हैं बच्चों, तो माइक्रोवेव का सोर्स हो गया इट इज प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब सच एज क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड्स, मशीन का नाम है ये सब। ठीक है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे उस मशीन के मदद से माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो इट इज यूज कहाँ पे, रडार में यूज होता है और माइक्रोवेव ओवेंस में यूज होता है। माइक्रोवेव ओवेंस मतलब, ओवेंस मतलब होता है चूल्हा, और इन चूल्हों से खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों माइक्रोवेव का यूजेज। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये अंतिम वाला जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो है आपका रेडियो वेव्स, लास्ट है। ठीक है, रेडियो वेव्स ये अंतिम है, और इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे सारा नॉलेज खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग और आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि वीडियो को आप धीरे धीरे करके, यदि कभी टाइम मिलता है तो दोबारा भी देखिए यदि नहीं समझ में आता है। ठीक है, और काफी जल्द इसका नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप बस चैनल पे बने रहिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए रेडियो वेव्स के बारे लास्ट बात कर लेते हैं, ये अंतिम है रेडियो वेव्स। तो इसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, तो रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी होता है आपका 10⁻¹⁰ हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, और इसका वेवलेंथ होता है मोर देन 0.1 मीटर। देखिए रेडियो वेव का वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा होता है।
ठीक है। और इसका सोर्स सुनिएगा कि रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेज या चार्ज पार्टिकल्स इन कंडक्टिंग वायर्स। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेज इन कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स में चार्जेज का एक्सेलरेट मोशन को एक्सेलरेट कर देने से रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन होता है। कंडक्टिंग वायर्स में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, यदि उसमें हम लोग उसके स्पीड को कहिए या उसमें यदि एक्सेलरेशन ले आए तो उस एक्सेलरेशन के कारण आपका रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन होगा। और जाहिर सी बात है इसका यूजेज पे विशेष चर्चा क्या करना कि रेडियो वेव्स का यूज होता है रेडियो में होता है, टेलीविजन में होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। खुद भी आप इसको देख सकते हैं, नाम से क्लियर है रेडियो वेव्स। रेडियो में यूज होता है, टेलीविजन में यूज होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, वेरियस यूजेज है, बहुत सारा इसका यूज होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका बहुत बड़ा यूजेज है। एक बार और रेडियो वेव के बारे में हम आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये है आपका रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी, ये रहा आपका वेवलेंथ। वीडियो क्लियरिटी को मैक्सिमम करके देखिए। और ये कहां से प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेज इन कंडक्टिंग वायर्स। जो वायर होते हैं कंडक्टिंग वायर, जिससे करंट आपको पास होता है, उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स जब पास करते हैं तो यदि उसमें हम एक्सेलरेशन ले आए या उस पार्टिकल्स को यदि एक्सेलरेट कर दे, हाईली एक्सेलरेट कर दे, तो वो रेडियो वेव्स का निर्माण करेगा। और रेडियो वेव का यूजेज क्या क्या है? ठीक है, तो रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टीवी या कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन में यूज होता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में भी इसका यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। तो ये था आपको बच्चों रेडियो वेव्स तक, वीडियो यहीं तक था। लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। एक बार और आपके और आपके पूरे परिवार के मैं मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं बहुत जल्द फिर से। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।